हेलो विनर्स, वेलकम बैक। तो पाई कोइंस की शॉकिंग मैट्रिक्स आज हमारे सामने है। बैक टू बैक गुड न्यूज़ पे गुड न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स। आपसे पाई कोइंस से रिलेटेड हो या कोई भी अदर लेजिट जेन्युइन क्रिप्टो अर्निंग प्लेटफॉर्म विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट आपसे शेयर करते आ रहे हैं। बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मैट्रिक्स के ऊपर निर्भर करता है, पता चलता है किस प्राइस पे पाई कोइन ट्रेड कर सकता है। ये अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो दोस्तों, ऐसे समय पे, खास करके जिस समय पे क्रिप्टो करेंसी यूनिवर्स में एक नया स्ट्रांग मोमेंटम पकड़ने के लिए मार्केट कम्प्लीटली रेडी हो रहा हो, और यहाँ से अगर पाई कोइंस, ये जो मैट्रिक्स आपके लिए आज हम आपको शो कर रहे हैं, मैट्रिक्स का अपडेट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आज के इस क्रूशियल समय में, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट अच्छा मोमेंटम ग्रोथ पकड़ रहा है, तो ऐसे समय पे अगर इस मैट्रिक्स के साथ पाई कोइन का मार्केट में लिस्टिंग हो रहा हो, तो इससे बढ़िया मौका सबसे ज़्यादा पैसे बनाने का आपके लिए कोई और नहीं होने वाला है। जैसे BTC बिटकॉइन से रिलेटेड आपको पता होना आज के डेट में दोस्तों ज़रूरी है, बिटकॉइन जैसे फ्लो करेगा वो यहाँ पर इम्पैक्टफुल होगा पाई कोइन के लिस्टिंग को लेकर, इसकी एक्सचेंजेस के ऊपर ओपनिंग को लेकर, ओपन मिनट नेटवर्क पीरियड फेज के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि बिटकॉइन किस फ्लो में मूव कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो $58,956 के जोन पे बिटकॉइन अभी ट्रेड कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट कि बिटकॉइन ने पिछले कुछ 7 से 8 दिनों के अंदर $10,000 से $12,000 डिफरेंस मार्केट में क्रिएट किया है, और इससे पहले बिटकॉइन $70,000-$72,000 के जोन को टच करके आया है। दोस्तों, इसके पीछे रीजंस क्या है सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सिर्फ 30 सेकंड्स में। जैसे आप देख रहे हैं जर्मन गवर्नमेंट की पोर्टफोलियो की लाइव ट्रैकिंग हम आपको शो कर रहे हैं, कितने BTC को आज के डेट में होल्ड कर रहे हैं। 23,000 के अबव बिटकॉइन BTC इनके पास है, और इसके आज वर्थ है $1.4 बिलियन के अराउंड। और यहाँ पर ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो इससे पहले ये होल्ड कर रहे थे बिटकॉइंस को $3.5 बिलियन के अराउंड, जैसे आप ग्राफ के अंदर देखेंगे। और अभी रिसेंटली जो इन्होंने यहाँ से सेल करना स्टार्ट किया है, सेल करने की वजह से इनके जो टोटल बिटकॉइंस की जो वर्थ है यहाँ पर हो गई है सिर्फ $1.64 बिलियन के अराउंड। तो आप समझ रहे हैं कि कितने बिटकॉइंस को इन्होंने सेल किया है इन कुछ 7 दिनों के अंदर, जिसके चलते मार्केट के अंदर एक बड़ा हेल्दी करेक्शन दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। अब आप बोलेंगे हर्ष भाई ये तो क्रैश हो गया, आप हेल्दी क्यों बोल रहे हैं? हेल्दी होना, एक अच्छा करेक्शन होना मार्केट के अंदर दोस्तों ज़रूरी होता है एक टाइम पे, एक पीक पॉइंट पे, इसलिए क्योंकि बिटकॉइन और अगर अबव जाता है, ऑल टाइम हाईज को ब्रेक करता है, तो उस समय पे हमें यहाँ पर ये बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनकी तरफ से खतरा मार्केट के अंदर नहीं होता है, कम हो जाता है। लेकिन इस क्रैश के बाद भी अगर हम बिटकॉइन ETF फ्लो की बात करेंगे, तो ETF फ्लो के अंदर तुरंत हमें 54,000 पे जैसे बिटकॉइन ने बॉटम को टच किया, तो उसके बाद ETF का जो फ्लो है, इनफ्लो है, वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। जैसे IBIT, FBTC, BITB, ARK जैसे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट के अंदर अभी भी बिटकॉइंस के अंदर एंट्री ले रहे हैं, और जिसके चलते हमें यहाँ पर एक फिर से ग्रीन मूवमेंट मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है अदर अल्ट कॉइंस के लिए भी। अल्ट कॉइंस फॉर एग्जांपल पाई कॉइन, सोलाना, इथेरियम, ये सारे अल्ट कॉइंस, बिटकॉइन एक पैरेंट क्रिप्टो करेंसी है, तो इसके ऊपर निर्भर करता है बाकी कॉइंस का प्राइस क्या होने वाला है। साथ ही मैं सतोशी मिस्टर से प्लेटफॉर्म पे भी एक न्यू एयर ड्रॉप कंडक्ट होने जा रहा है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, न्यू यूज़र होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो अनाउंसमेंट सेक्शन को दोस्तों हमने अभी आपके लिए ओपन किया है, 9.45 बिलियन CTO का एयर ड्रॉप यहाँ पर कंडक्ट होना है। इसका जो लाइव अपडेट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, July 11 से ये स्टार्ट हो रहा है। आपके अपने हर क्रिप्टो सपोर्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं सारे अपडेट्स, यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाते, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो सारे सिग्नल्स दोस्तों आपको मिलते रहेंगे। तो ओपन मिनट नेटवर्क पाई कॉइन होल्डर्स के टोटल अकाउंट्स की बात करेंगे, 5.8 मिलियन के अराउंड अभी जो टोटल अकाउंट से क्रिएटेड हुए हैं। टोटल पायनियर्स की बात करेंगे तो 5.8 सिमिलर है लगभग। देन माइग्रेटेड पाई कॉइंस पाई कॉइन की वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। टोटल जो मैक्सिमम सप्लाई है वो कितना इंट्रोड्यूस हुआ है वाइट पेपर के अंदर, 100 बिलियन पाई कॉइंस का। और टोटल माइग्रेटेड पाई कॉइंस के बैलेंस की बात करेंगे तो 3.8 बिलियन के अराउंड अभी के समय पे टोटल माइग्रेशन हुआ है पाई कॉइंस का, जो कि 100 से अगर 3.8 को कंपेयर करेंगे तो 3.8% के अराउंड काफ़ी कम यहाँ पर माइग्रेशन पाई कॉइंस का हुआ है। कुछ मेंबर्स के पाई कॉइंस डिस्कार्ड हो गए हैं, कुछ मेंबर्स ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं, अकाउंट्स के अंदर पाई कॉइंस को माइन कर लिया, कलेक्ट कर लिया, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के ना कारण और या तो ज़्यादा वेटिंग होने के कारण उन्होंने गिव अप कर दिया। ऐसे पाइनिस के अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस अभी भी यहाँ पर स्टोर्ड है, बट वो डिस्कार्ड होने वाला है। तो जो पाइनिस ने अभी तक गिव अप नहीं किया, डेडिकेटेडली यहाँ पर वर्क किया है,
उनको उनके रिवॉर्ड्स यहाँ पर सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहे हैं और इनको विड्रॉल भी यहाँ पर एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग होते ही जारी होने वाला है। तो सारे लाइव प्रोसेसेस दोस्तों आपको हर क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ मिलते रहेंगे। यदि आप हर क्रिप्टो कम्युनिटी के साथ बने तो आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। चैनल पे पहली बार जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कर देना। तो माइनस के पास पाइनेंस के पास कितने पाइकॉइंस अभी अवेलेबल है? 3.8 बिलियन में से सिर्फ 683 मिलियन। ये जो टोटल सप्लाई दोस्तों यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई में आने वाले कॉइन्स है ये अभी सिर्फ 683 मिलियन के अराउंड है। तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी सिमिलर सप्लाई के साथ जो कॉइन्स सर्कुलेट हो रहे हैं उनके प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक पाई कॉइन्स की अनुमान आप लगा सकते हैं इजीली कि कितना हो सकता है कॉइन्स का प्राइस पाई लॉग्ड। क्योंकि ये क्यों कम हुए हैं? क्योंकि पाई का लॉग जो फीचर है यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर 2.6 बिलियन कॉइन्स के अराउंड पाई कॉइन्स अभी लॉक हो गए हैं। एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए, जो जितना साल के लिए यहाँ पर लॉक करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को गेन करना। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप यहाँ पर रैंक हम दोस्तों आपको शो कर रहे हैं और सिमिलर सप्लाई के कॉइन के साथ यहाँ पर कंपेयर करके देखते एक बार। जो यहाँ पर BNB है 3-4 नंबर पे, बिटकॉइन के सप्लाई की बात करेंगे तो बहुत कम है, 21 मिलियन ही है सिर्फ। इथेरियम के सप्लाई की बात करेंगे 123 मिलियन के अराउंड है, बिटकॉइन से सिर्फ 5x ज़्यादा इथेरियम का सप्लाई है। थर्ड नंबर पे USDT, फोर्थ नंबर पे BNB, फिफ्थ नंबर पे सोलाना। सोलाना की बात करते हैं, सोलाना का प्राइस अभी के समय पे, सोलाना एक सिमिलर टू पाईकॉइन के ब्लॉकचेन, यहाँ पर जैसे पाईकॉइन का ब्लॉकचेन यहाँ पर फॉर्म हुआ है सेम एज इट इज़ सोलाना के का भी फॉर्म हुआ है, बट इस पे जो एक्टिव रियल यूज केसेस है इन कंपैरिजन ऑफ पाईकॉइन ये ज़्यादा है। बट मेनेट जब भी पाईकॉइन का ओपन नेटवर्क पीरियड लॉन्च हो जाता है तो हो सकता है जो रियल यूज़ केसेस पाईकॉइन की होने वाली है वो सोलाना के ब्लॉकचेन के यूज़ केसेस को यहाँ पर टेक ओवर भी कर सकती है। ये पॉसिबल है क्योंकि पॉपुलैरिटी के मामले में सोलाना भी यहाँ पर आगे चल रहा है, बट उससे भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाईकॉइन के पास है क्योंकि जिनको बिटकॉइन नहीं पता, सोलाना नहीं पता, इथेरियम नहीं पता, उनको सबसे पहले पाईकॉइन के बारे में पता चला है मार्केट के अंदर। ये एक सच्चाई है, फैक्ट है। तो यहाँ पर अगर दोस्तों आप सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करेंगे और टोटल सप्लाई की बात करेंगे सोलाना की तो 579 मिलियन के अराउंड, ऑलमोस्ट 600 मिलियन टोटल सप्लाई सोलाना का है। और अभी आपने देखा करंटली पाईकॉइंस का जो टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ रहा है वो 623 मिलियन है, ऑलमोस्ट कुछ ही कम कॉइन्स का डिफरेंस है, मार्जिन है इस सप्लाई के अंदर। और अभी के समय पे इसके अंदर जो मार्केट कैप यहाँ पर होल्ड हुआ है वो 66 बिलियन USDT का है। तो आप समझ रहे हैं 66 बिलियन USDT और इतना टोटल सप्लाई होने के बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई में मानते हैं थोड़ा सा कम है, बट फिर भी प्राइस एक अच्छे लेवल्स पे आपको देखने को मिल रहा है 143। दोस्तों ये शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, आपको समझना होगा। अगर हम पूरे सारे देशों की यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 100 मिलियन ट्रिलियन के अबव होती है अभी के समय पे, आप ट्रैक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो अभी क्रिप्टो में सिर्फ यहाँ पर बिलियन में बात चल रही है, ट्रिलियन की बात दूर की है, मिलियन में भी चल रही है क्रिप्टो के अंदर। कुछ कॉइन्स के अंदर मिलियन में टोटल सप्लाई है, सॉरी टोटल वॉल्यूम है, बट सोलाना में एक अच्छा वॉल्यूम है 66 बिलियन USDT का। इसकी वजह से प्राइस इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और सप्लाई भी लिमिटेड है। जैसे अभी पाई कॉइन का भी सप्लाई आपको शो किया वो भी यहाँ पर लिमिटेड हमें शो हो रहा है। उसके बाद XRP की बात कर लेते हैं दोस्तों। XRP का प्राइस कम है, बहुत कम है, बट फिर भी प्रैक्टिकली सोचना देखना हमें ज़रूरी है अपने पाई कॉइन के सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ कि कितना वैल्यू यहाँ पर बन सकता है। अगर XRP की बात करेंगे तो 55 मिलियन का टोटल, बिलियन का टोटल सप्लाई, 100 बिलियन कॉइन्स का है, 100 बिलियन कॉइन्स और टोटल अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 55, मतलब ऑलमोस्ट हाफ कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा होने के कारण प्राइस भी बहुत कम है और सिर्फ 1 बिलियन के अबव, सॉरी 24 बिलियन के अराउंड इसका मार्केट कैप चल रहा है। फिर भी 7 नंबर पर रैंक कर रहा है क्योंकि मार्केटिंग पॉपुलरिटी ज़्यादा है। अभी फोर्थ नंबर का जो रैंक कर रहा है कॉइन BNB, इसके साथ भी कंपेयर करके देखते हैं तो इसका प्राइस जो चल रहा है सोलाना से ज़्यादा $520-21 के अराउंड। और अगर हम इसके टोटल सप्लाई की बात करते कंपेयर करके देखते हैं पाईकॉइंस के टोटल सप्लाई के साथ तो टोटल सप्लाई दोस्तों इसका जो है वो पाईकॉइंस से सोलाना से बहुत कम है, जो है 147, बहुत कम भी नहीं बोल सकते, जो 4x कम है, समझ रहे हैं आप। तो इसके अंदर अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे मार्केट कैप की तो 76 बिलियन के अराउंड इसका मार्केट कैप चल रहा है और सप्लाई थोड़ा कम होने के कारण कंपैरिजन ऑफ पाई कॉइन सोलाना कॉइन तो इसका वैल्यू भी उतना ज़्यादा ही आपको देखने को मिल रहा है। ये
डिपेंड करता है सप्लाई और मार्केट कैप के ऊपर, डिमांड और सप्लाई बेस के लिए दोस्तों ये इसको समझना आपको ज़रूरी है अगर आपको सक्सेसफुली अपने कॉइन्स को विड्रॉल लेना है। सेम एज इट इज़ बिटकॉइन के साथ हुआ था दोस्तों रिसेंटली, किसी को भी मिस नहीं करना है पाई कॉइन्स के माइनिंग को, कलेक्शन को, इसके विड्रॉल को। बिटकॉइन को के ऊपर भी ऐसे ही गिवअप कर दिया था कि क्या ही होगा, और 10 साल बाद देखा, 12 साल 15 ईयर्स के बाद देख रहे हैं आज बिटकॉइन सब भी यहाँ पर बड़े बड़े फर्म्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सपर्ट इसको शॉक करके आउट परफॉर्म लगातार करते जा रहा है। जो एक वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। तो बिलीव लगातार बढ़ते जा रहा है, लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे अभी तो बहुत कम लोग जुड़े हैं अपने टोटल पॉपुलेशन में से, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में से, जैसे यहाँ पर मास एडॉप्शन हो जाता है तो बिटकॉइन क्या, इथेरियम क्या, सोलाना क्या, पाई कॉइन का एक अलग ही ट्रेंड आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलने वाला है। हर्ष भाई आपका आपके सपोर्ट में जारी है, आपके भी सपोर्ट की दोस्तों ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को लाइक कर देना, इससे भी और बढ़िया कंटेंट आपके साथ शेयर करने में कोई भी देरी नहीं होने वाली।